ओम शांति। 4/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली के सार में। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए इस नरक से दिल ना लगाओ, इनको भूलते जाओ। प्रश्न है, रहम दिल बाप, तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी स्क्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिष्ट की बीबी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई, एम आत्मा, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है, उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप, क्योंकि हम आत्माएं आती हैं। कहाँ से आती हैं? परम धाम से। और शरीर हमें माँ के गर्भ में मिलता है। और आप सब ही जानते हैं, जब आत्मा के बिना शरीर 5-6 मास बढ़ता तो है, लेकिन उसमें शक्ति चैतन्यता तभी आती है जब जीव में आत्मा प्रवेश करती है, तो फिर उसे फिर जीव आत्मा कहते हैं, जो कि ऊपर से आती है और यहाँ शरीर मिलता है। इसीलिए आत्मा अशरीरी ही जाती है, है ना? मुट्ठी बांध कर हम आए, हाथ खोल कर जाते हैं, लेकिन हम आत्मा अच्छा व्यवहार, संस्कार, परमात्मा जो हमें 16 कला से निपुण बनाते हैं, वो सब हम संस्कार आत्मा में भरतू होकर जाते हैं। और जो शरीर से जितनी भी सुख सुविधाएं, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं साधन हैं, वो शरीर के वो यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं? शरीर को जन्म देने वाला फादर और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही है, ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। अब इस संसार में जब इतने सारे मनुष्य आत्माएं रहते हैं, तो ऐसे ही आत्मा जहां से आती है वो भी तो एक दुनिया होगी ना। कोई एक आत्मा रहने का स्थान नहीं है, इतनी सारी आत्माएं जहां रहती हैं तो उसे दुनिया कहेंगे ना, निराकारी दुनिया। एक को रहने के लिए दुनिया नहीं कहेंगे, अनेकानेक रहते हैं, अनगिनत रहते हैं, तब आप दुनिया कह सकते हैं ना। तो ऐसे ही वो निराकारी दुनिया आत्माओं की दुनिया है, और ये है अपने साकार में मनुष्यों की दुनिया। तो बाबा कहते इस तरह से जो सतयुग में होते हैं वो देवी देवता होते हैं, है ना। अभी संगम पर कुछ एक फरिश्ते बनेंगे जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाकी सब फिर आम मनुष्य आत्माएं हैं ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बाबा कहते हैं ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां सदैव निर्विकारी ही है, वहां कोई विकर्म होता नहीं क्योंकि शरीर होता नहीं, विकार तो परम धाम में रह ना सके। पहले तो यह बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप, आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का ही एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा शरीर के साथ दुखी है, फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग, यह है नर्क। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, याद करते हैं पतित पावन को, चूंकि अब सभी दुखी हैं तो सब उसे को पुकारते हैं, क्योंकि वो सुख सागर है, सुखदाता है। बाबा कहते हैं अभी जो है सब याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है,
गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आँखों से देखा जाता है, निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परमपिता, परमात्मा, प्राणदाता जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। अब लौकिक में भी तो एक पिता दूसरे घर से एक अडॉप्ट करके स्त्री को लाता है, फिर बच्चे तभी तो जानते। अब ऐसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं, भल मैंने मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना की, मुख वंशावली शिव वंशी बच्चे, तो मैंने ब्रह्मा माँ को लिया, अडॉप्ट किया, इस स्त्री को मैंने अडॉप्ट किया, तब तो फिर तुम बच्चों की रचना रची मैंने। तो बाबा क्या कहते, बिना मदर के मैं कुछ कर थोड़े ना सकता हूँ। बच्चे चाहिए तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, है ना, तभी तो फिर बच्चे आए माता पिता से। तो बाबा कहते, बाप आकर समझाते हैं, मैं हूँ ही निराकार, मैं जब आऊं शादी करूं तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं। शादी बगैर बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ, राज है। समझने की बातें हैं, बुद्धि में धारणा की बातें हैं। समझो कोई स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बच्चे को गोद लेंगे ना, अनाथ आश्रम से लेंगे या किसी गरीब का बच्चा लेंगे, लेकिन तभी तो वो वारिस बनेगा। अडॉप्ट करते हैं ना, तो फिर वो माता पिता बन जाते, फिर उनका वारिस आ जाता है जब वो अडॉप्ट कर लेते। तो बाबा क्या कहते हैं कि मिल्कियत किसको दूं, देकर जाऊं, फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूँ, मैं कैसे रचूं, समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझ चाहते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, ना तो इनका आधार लेता, तो इनका आधार लेता हूँ ब्रह्मा का। तुम कहते हो हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के संतान तो सब हैं, विश्व में जो भी आपको मनुष्य आत्माएं दिख रही हैं सभी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस समय बाप सम्मुख आया है, तुम बच्चों को गोद में लेते हैं, तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, खुद बैठ बतलाते हैं मैं निराकार गॉड फादर हूँ। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते? तो बच्चों को अडॉप्ट कर उन्होंने ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूँ, तुम भी निराकार आत्माएं हो, तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ क्योंकि मैं कुक वंशावली नहीं हूँ, मैं तो अवतरण लेता हूँ। तो आधा कल्प है गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। तुम बच्चे भी माया के नगरी में आते हो तो कुख वंशावली आए ना, है ना, किसी के कोख में 9 महीने रहे तब तो जन्म हुआ। बाबा कहते लेकिन जो मेरी वसाई दुनिया है उसमें कुख वंशावली नहीं होते, तुम योग बल से होते हो, है ना। तो सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया है ना, वह है नई दुनिया, गोल्डन इस पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, तुम फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो? अब नरक को भूल जाओ मुझ बाप, और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, यह है बेहद का संन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो, समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। यह शरीर धन दौलत बच्चे आदि सब खत्म हो जाने हैं, वो जाने वाले हैं। यह बहुत महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं। देखो बाबा कहते हैं कि तुम ले तो जरूर जाओगे, जो बाबा के बच्चे हैं वो बच्चे खाली हाथ नहीं जाएंगे, भल मुट्ठी बांध कर आए, खाली हाथ जाने की जो कहावत है वो तुम बच्चों के लिए नहीं बनी, क्योंकि तुम बच्चे भल धन माया
नहीं ले जा पाओगे स्थूल में, लेकिन यदि तुम जो भी आधा, जैसे बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास 50 है तो 25 मेरे नाम पे दो, तो वो सफल होगा। 25 तुम अपने शरीर निर्वाह अर्थ लगाओ। बाबा कहते हैं यदि तुम पात्र को देखकर दान नहीं देंगे या अपना रखा रहेंगे, कहेंगे कि अगली 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 पीढ़ी के लिए जमा करेंगे, तो वो तो कोई चोर या फिर कोई धूल में दबी रहेगी, क्योंकि अब तो प्राकृतिक आपदाएं आनी है और देखिए दुनिया में कितनी तमो प्रधानता है, कितना पाप विकर्म है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई चोर ले जाएगा, और जो मुझे दे देंगे परमार्थार्थ मैं नहीं लेता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, लेकिन मेरे नामार्थ परमार्थ के नाम तुम करोगे तो तुम्हारा धन कैसा हो जाएगा, दान नहीं सफल हो जाएगा। जो तुम्हारा दान दोगे उसे सफल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं इसीलिए कहता हूँ कि आधा दान करो और परमार्थ के कार्यों में लगाओ, उससे तुम्हारा जो है आगे जाकर के तुमको मिल जाएगा। लेकिन तुम भर तो हाथ जाएंगे, क्योंकि मैं तुम जो मेरे परमार्थ में लगाते हो धन, जो भी धन मन धन से, तुम मैं तुम्हें किस जन्मों के लिए उसे वापस ट्रांसफर कर दूंगा। और नहीं करोगे तो फिर देखो बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, जो शरीर के साधन और जो भी है वो सब यहीं छूट जाएंगे, ऊपर में मैंने पहले बताया है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझो, हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं, यह शरीर धन दौलत बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है, श्री कृष्ण को उनका द्वार है बैकुंठ। बैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं, वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं, और कोई लिबरेट कर ना सके, दुख हरता सुख करता बाप ही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं, समझो यह पुरानी दुनिया है फिर यह नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई विघ्न नहीं था, उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने, जो लड़ाई हो, ना मेरा ना तेरा, सब एक का ही है, है ना। सब बाबा कहते हैं इसीलिए जब तेरा और मेरा आता है ना, कि तुम्हारा धर्म बड़ा वो कहेगा मेरा धर्म बड़ा, वो कहेगा मैं बड़ा वो कहेगा मैं, तो अनेकानेक धर्म जब आते हैं तो सब द्वैत लड़ाइयां आदि होती, मतांतर होने की वजह से एक में अनेकता बढ़ जाती। तो बाबा कहते हैं दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने सतयुग में। तो अभी देखो भले क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज है, सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, बाप कहते हैं रहम तो सब पर करूंगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूँ, तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में, बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे, नेचुरल कैलमिटीज गाई हुई है, आसार भी देख रहे हो, फैमन पड़ता जरूर है। अब बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो, बेहद का बाप है सिकरीन, कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर ना सके, सबसे मीठा बाबा है, सबसे प्यारा बाबा है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बाप ही है, अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है नया, तो कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे, एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ, उनको रत्नागर सौदागर मुसाफर भी कहते हैं, तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं, मुसाफिर कितना हसीन है, तुम जो कोई काम के नहीं थे अब तुमको पढ़ाकर भविष्य की बीबी बनाता हूँ। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं,
परमात्मा पढ़ाते हैं, तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ईश्वर पढ़ाते हैं तो जरूर मनुष्य से देवता ही बनेंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो वही रहम दिल बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे, मनुष्य फल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है, कहां से आते हैं। अभी तुम जानते हो वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन, फिर फिक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात जरूर आनी है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ, कोई मनुष्य को सदगति दे ना सके, मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं योग बल से, तुम विश्व पर जीत पाते हो, बाप है सर्वशक्तिमान, बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है, आकाश पृथ्वी सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा, ये जो टुकड़ों में बटा हुआ है जिस तरह से चांद सूरज रात में इधर तो दिन में अमेरिका में, अमेरिका जब मैं जब दिन तो यहाँ रात और यहाँ रात तो वहाँ दिन, तो ये टुकड़ों में बटा हुआ है ना, तो ये सब हमारा होगा क्योंकि जो भी ये बाय प्लॉट है वो सब खत्म होना है, जो 100 साल की चकाचौंध है वो 100 साल में ही वापस हो जाएगी और फिर एक होगा सब कुछ, तो सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी का भी हद लगी है, पानी पर भी हद लगी है ना, कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहाँ सारे विश्व का पर राज्य करते हो ना, स्वर्ग तो फिर क्या है, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु मनुष्य स्वर्ग कहाँ, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जरूर नर्क है ना, यह है ही हेल बोलते है ना, तो सब मनुष्य दुखी है, सब पतित है, यह राज्य ही रावण का है जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है क्योंकि जानते नहीं है कि रावण है कहाँ, कौन है, कैसे जलाना है, कैसे उसे खत्म करना है, वो परमात्मा आकर बताते हैं कि बच्चे रावण कोई इंसान नहीं, रावण कोई राक्षस नहीं, रावण के कोई दशीस नहीं, रावण कोई दिखाई देने वाला नहीं है, ना ही 6 फुट का ना ही 10 फुट का, रावण तो है 5 विकार जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर में आसुरी चलन आया, आसुरी तुम्हारे में गुण आए और तुम आसुरी मत पर चलते चलते देखो किस तरह से तुमने फिर उसका एक पुतला बनाकर जलाने लगे, शांति पाठ करते हो तो हवन धूप डालने लगे, तब जबकि शांति तो आत्मा खुद है, शांत स्वरूप है, शांति सागर के संतान है, शांति धाम की मालिक है, तो शांति तो उसका खुद का गहना है, लेकिन हम उसे मृग के समान बाहर ढूंढते रहते, हिरन अपनी कस्तूरी को अंदर होते हुए भी बाहर जंगल में ढूंढता है ना, ऐसे ही बाबा कहते तुम भी अपनी जो नहीं जानने के कारण तुम बाहर में उसे ढूंढते हो। बाबा कहते हैं तुम रावण को जो जलाते रहते हो परंतु जलता ही नहीं है, रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं परंतु समझते नहीं है, यह समझ की बात है। यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टैप में भरी जाती है क्योंकि गोपिका मुरली बिगर रह ना सके, तो यह प्रबंध है, मुरली बिगर तो तड़पते हैं क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है, बच्चे सुनकर बहुत खुश होते, गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी, यह नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वह आत्माओं को पढ़ा रहे, ऐसा और कोई कह ना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परम आत्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है,
कोई की तमो प्रधान बुद्धि है, बाबा कहते हैं, तो कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे, गॉड फादर है नॉलेजफुल, जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाए, नॉलेजफुल बनाते हैं, बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंचे ऊंचा जिसका नाम ऊंचा ठाव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, थर्ड ग्रेड में है मनुष्य, पहले ग्रेड में है ऊंचते ऊंच शिव बाबा जिसका ऊंचा ठाव है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी और हम मनुष्य आत्माएं हैं थर्ड ग्रेड में। मनुष्य में भी ग्रेड है, सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा, गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं, यह सब बातें बुद्धि में रखनी, इसलिए चित्र बनवाए। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे, बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड, वह रहते हैं परम धाम में, तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, कोई बाहुबल की बात नहीं, कोई हाथ में त्रिशूल लेकर अस्त्र शस्त्र दिखाने की बात नहीं, यहाँ तो तुम्हारी लड़ाई खुद से खुद की है, विकारों पर जीत पाने के लिए तुमको निर्विकारी बनना होगा और निर्विकारी तभी बनेंगे जब परमात्मा से तुम योग लगाओगे और पापों को विनाश तभी कर पाओगे जब उस परमात्मा से वो शक्तियां भरकर उसकी याद में रहकर बाप समान आप समान बनोगे, है ना, वो देवत्व धारण करोगे। बाबा कहते हैं इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, सतयुग में हिंसा होती नहीं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, देखते हुए भी कुछ भी ना दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ वो दिखाई दे जो परमात्मा चाहते हैं। मोर पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरा पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सत्व प्रधान बनाना है, जैसे आए थे वैसे ही बनानी, मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है, वरदान है, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए, इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो, अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। हम भक्ति में रहते थे तो एक ही मंत्र का जाप करते थे, बाबा कहते हैं भला तुमको अगर मैं एक ही जोक बार बार कहूँ, एक ही बात तुमको बार बार सुनाऊं तो तुमको मजा आता है क्या, तो फिर मुझे कैसे एक ही बात अच्छी लगेगी, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं नए नए निकालो, है ना, नई नई बातें स्मृति में लाओ, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो कभी किसी को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी, बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे, कभी बाबा से रूह रिहान करो, कभी बाबा का एक शब्द ले लो शुक्रिया, कभी शांति का पाठ पढ़ लो, कभी जो समाने की कभी समेटने की, कभी जो है हमें जो परखने की शक्ति दी है, कभी हमें जो बाबा ने इतनी सारी अष्ट शक्तियों से भरपूर किया है उन शक्तियों में एक एक ले लो, फिर सोमान है बाबा के 500 से ऊपर बाबा की लिस्ट है सोमान की, उस लिस्ट में एक एक में टिक जाओ तो भी आपका देखो कितना निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे नए नए नवीनता का अनुभव करेंगे। अच्छा स्लोगन है आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी, आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा ओम शांति ओम शांति, ओम शांति।